दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। दोस्तों बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में जानेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें, गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली खबर का हवाला देते हुए बोले राहुल गांधी, गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है केंद्र की मोदी सरकार। आपको दोस्तों खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों के कर्ज लेने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गरीब लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार गरीबों के मौलिक अधिकार क्यों छीन रही है? यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। देश के बेहतर भविष्य के लिए हमें हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान करना होगा। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान 11 राज्यों में करीब 45% लोगों को भोजन के लिए कर्ज तक लेना पड़ा है। यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। किसान आंदोलन में चीन पाक का हाथ बताने वाले मोदी के मंत्री पर भड़के हैं बच्चू कड्डू, कहा घर में घुसकर मारेंगे। जी हां दोस्तों, क्या कुछ पूरा मामला बताते चलें। केंद्र की मोदी सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने किसान आंदोलन का चीन पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढ निकाला है। उन्होंने दावा किया है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। केंद्रीय मंत्री अपने इस बयान के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बच्चू कड्डू ने दानवे के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि वह केंद्रीय मंत्री के घर में घुसकर मारेंगे। उन्होंने कहा, पिछली बार उन्होंने ऐसा बयान दिया था तो हमने उनके आवास का घेराव किया था। वहीं उन्होंने कहा कि अब स्थिति यह है कि हमें उनके घर में घुसना होगा और उन्हें पीटना होगा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी दानवे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। संजय राउत ने कहा, अगर केंद्रीय मंत्री को यह जानकारी है कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है, त्रिपुरा में दो हिस्सों में बटे बीजेपी के विधायक नड्डा ने सीएम बिप्लब देब की रैली को रद्द करने को कहा। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला बताते चले आपको। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब से उनकी आगामी 13 दिसंबर को होने वाली जनसभा को रद्द करने के लिए कहा है। आपको बताते चलें दोस्तों, बीजेपी के विधायकों का एक खेमा सीएम बिप्लब देब के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिसको देखते हुए सीएम देब की ओर से की जाने वाली जनसभा उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही थी। बताते चलें, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब की रैली में इससे पहले भी पार्टी के ही विधायकों के एक खेमे ने जमकर नारेबाजी की थी और उन्हें पद से हटाने की मांग भी की थी। इससे पहले भी बीजेपी विधायकों के एक गुट ने देव को हटाने की मुहिम चलाते हुए दिल्ली में डेरा भी डाला था। यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है, त्रिपुरा में दो हिस्सों में बटे हैं बीजेपी के विधायक, एक खेमा है सीएम बिप्लब देब के खिलाफ और लगातार मांग कर रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, मनीष सिसोदिया के घर पर हमला, आम आदमी पार्टी बोली केजरीवाल सिसोदिया के परिजनों की हत्या करवाना चाहते हैं अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है आपको बताते चलें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हमले की खबर सामने निकल के आ रही है। आरोप है कि ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली पुलिस की साठगांठ के साथ किया गया। कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री के घर पर उस वक्त हमला किया जब वह प्रदर्शन के लिए बाहर गए हुए थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी ने कहा कि पुलिस की साठगांठ के साथ उप मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हुआ है। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह जी उप मुख्यमंत्री के परिवार को मरवाना चाहते हैं? क्या भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का बदला ले रही है? वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हमले का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में गेट तोड़कर घर के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आम आदमी पार्टी की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इस मामले में अभी तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वीडियो को शेयर करते हुए आप सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा, वाहरे अमित शाह जी, आप लोग कायर भी हैं घटिया भी। घर में मनीष सिसोदिया जी मौजूद नहीं थे, पत्नी बच्चों और घर के बुजुर्गों पर अपने गुंडे भेजकर हमला करवाया, दंगाई मानसिकता से बाहर निकलो भाजपाइयों। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, नड्डा के काफिले पर हमला, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी बोले, लोगों ने निकाला है गुस्सा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हर्बल के एमपी अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए अटैक को जायज ठहराया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमले के जरिए लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें, सोनिया गांधी की जगह शरद पवार बन सकते हैं यूपीए के नए अध्यक्ष। आपको दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे सीनियर नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार के हाथों में यूपीए की कमान आ सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रिटायरमेंट की खबरें आ रही हैं। उनके हटने के बाद यूपीए के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे बड़ा नाम शरद पवार का ही उभर कर सामने आया है। गौरतलब है कि सोनिया गांधी पिछले कई समय से इस पद के लिए अपनी अनिच्छा जाहिर कर रही हैं, इसलिए माना जा रहा है कि यूपीए को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसे लेकर जल्द ही यूपीए की बैठक होने की भी संभावना है। किसान आंदोलन पर शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम काले कानूनों को वापस नहीं लेने के केंद्र सरकार के रुख की कड़ी निंदा करते हैं। केंद्र द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उससे साबित होता है कि उन्होंने देश के अन्नदाता के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और शिरोमणि अकाली दल अब पीछे हटने वाला नहीं है। वह लगातार किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करता रहा है और करता रहेगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले, हमारी 15 में से 12 मांगों पर केंद्र सहमत, इसका मतलब कानून सही नहीं। आपको दोस्तों खबर बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार 15 में से हमारी 12 मांगों पर सहमति जता रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि कानून सही नहीं है, तो उन्हें नष्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हमने MSP पर एक कानून की मांग की थी, लेकिन वे अध्यादेश के जरिए 3 बिल लाए थे। हमारा विरोध शांतिपूर्वक लगातार जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार सभी किसान यूनियन की बात नहीं मान लेती। किसान नेता सिरसा बोले, दिल्ली के लोगों के प्रति सहानुभूति है मगर दूसरा कोई रास्ता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी रहा। इसी बीच किसानों का कहना है कि कानून में संशोधनों के लिए बहुत देर हो चुकी है, अगर सरकार वास्तव में चाहती है तो सितंबर में ही ऐसा कर सकती थी। जब उन्होंने पहली बार पंजाब भर में अपना विरोध शुरू किया था, उन्होंने आंदोलन में किसी तरह से विदेशी हाथ होने की बात को खारिज किया था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि उनका यह आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन में बदल जाएगा। पंजाब के वरिष्ठ किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने एक विशेष बातचीत में कहा, जो लोग कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान इस आंदोलन को चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN भी हमारा समर्थन कर चुका है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने स्वीकार किया है कि कानून में कोई दोष है तो केवल एक ही रास्ता है कि वह उन्हें वापस ले। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, किसानों ने कहा अगर सरकार ने नहीं मानी उनकी मांग तो 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होगा। जी हां दोस्तों, 15वें दिन भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों के साथ 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा ही रही। किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चलें, किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग जल्द नहीं मानी तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा, हाईवे को घेर लिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार लिखित में MSP गारंटी देने को तैयार है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और नहीं तो दिल्ली आने वाली सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि 12 दिसंबर को पहले दिल्ली जयपुर राजमार्ग को बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों का घेराव होगा और देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है HRN न्यूज पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।